कर चिकन, शाही पनीर, दाल मखनी, सूखे आलू या आलू गोभी, कड़ी, खीर, चावल के राइस, रोटी, हरी चटनी, मूंग की रायता और सलाद। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारी ग्रोसरी रखी हुई है। यहाँ पे मैं अपनी आज आपको एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं किसी के घर पे आई हूँ। उन्होंने खाने के लिए खाना पकाने की फरमाइश की थी कि हमारी निवासी की सालगिरह है और आप आके खाना बना लें। जहाँ पर मैं और मेरी आंटी, हम दोनों गई थी और हमने खाना बनाना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने कुछ प्याज वाले पराठों की फरमाइश की, ये आंटी बना रही हैं प्याज लगा के और उनके लिए पराठे तैयार कर रही हैं। ये प्याज वाले उन्होंने 8-10 पराठे तैयार किए और सब ने खाए और अपने अपने कामों पर चले गए और एक दो बंदा घर पर ठहर गया। और उन्होंने पहले तो हमें लिस्ट दी कि ये वाले खाने तैयार करने, साथ ही हमने खीर रख दी। खीर के साथ ही ये खीर बन गई है, साथ ही दाल मखनी रखी। दाल एक तरफ, दाल मखनी बन रही, एक तरफ खीर बन रही है और बारी बारी सारी चीज़ें हमने बनाई। ये प्याज ब्राउन कर रहे हैं, यहाँ पे चाय मसालेदार बन रही है और साथ साथ खीर भी मिक्स, और ये धनिया और लहसुन अदरक ग्राइंड की, ये कुछ जूलियन का टमाटरों की पेस्ट बनाई। यहाँ पे करी के लिए बेसन योगर्ट में मिक्स करके रखा और कुछ योगर्ट की हमने लस्सी बना ली करी के लिए, और ये रायते के लिए बूंदी है। ये सारी चीज़ें ना उन्होंने हमें दी है प्याज काटे। जैसे जैसे हमारे मसाले रेडी हो रहे थे, साथ साथ हम बनाते जा रहे थे। यहाँ पे ये कड़ी पकौड़ा और ये आंटी खड़ी है उनका, ये शाही पनीर बनाया, जो कि पनीर काट के उसको गर्म पानी से गुजारा ताकि नरम हो सके। यहाँ पे खीर तो रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे तो खीर बनाने में लग गए, तो काफ़ी सारे बनी। दाल भी रेडी हो चुकी है। ये अब कड़ी के लिए जो मैंने बेसन मिक्स करके रखा लस्सी में, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये कड़ी भी बन रही है, बन रही है। ये साथ ही आलू की कतलियाँ बनवाई थी उन्होंने, जो कि ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी है, सब ने माशाल्लाह पसंद भी की थी। यहाँ पे बटर चिकन के लिए चिकन को फ्राई कर रहे हैं, उसके लिए ऑनियन फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। जैसे जैसे मसाला तैयार होता हो रहा था, पानी देखिए चीज़ें साथ साथ। ये बिरयानी का मसाला और हमारा भी कर रही हूँ, ये भी पहले कौरमा इस तरफ, एक तरफ चावलों का पानी रख दिया। फिर कौरमा तो तकरीबन रेडी हो चुका है। जी, अब इसमें मैं योगर्ट मिक्स कर रही हूँ। जब योगर्ट मिक्स कर दिया तो एक ये मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पर चावलों के लिए पानी रखा है, जिसमें सबज़ इलायची, जीरा, लौंग और पुदीना के पत्ते, लेमन, सब कुछ उसमें मिक्स करके उबाल रही हूँ। ये सलाद की चीज़ें रखी हुई हैं, सलाद भी कट चुका है। जैसे जैसे चीज़ें तैयार होंगी अपना उनको लैदा लैदा रखते जाएंगे और फिर इनको सर्विंग प्लेटों में डालेंगे।
सलाद के एक डब्बे में डाल दिया एक कुछ ये है कुछ डब्बों में डाले लेमन भी काटा ये बिरयानी का भी दम लग चुका है मैंने ये थोड़े थोड़े क्लिप सारे बनाए थे क्योंकि तो ये मेरा लास्ट चांस था और इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बनाया ज़्यादा नहीं बना सकती ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं जो जो एक लाइन में रख दी हैं चावल भी उबल चुके हैं ये कुछ चटनियाँ थी ये रखी हैं प्यालों में डाल के चाय भी रेडी हो चुकी है साथ साथ चाय भी पी रहे थे सर्दी बहुत ज़्यादा थी बारिश भी हो रही थी साथ यहाँ पे सब खा पी के चले गए हैं और जो खाना बच चुका है वो सब अपने अपने घरों में भी लेके जाने के लिए अपने अपने डब्बों में डाल रहे हैं खाना काफ़ी बच भी गया है और सब ने बहुत ही पसंद किया अब सफाइयाँ हो रही हैं साथ साथ बर्तन धो रहे हैं कोई अपने खाने डाल रहा है कोई बर्तन धो रहा है तो केक भी बच के आ गया है ये आलू जो बनाए थे वो घर लेके आए थे एक डब्बी और सुबह पराठों में लगा के हमने दो पराठे भी अपने लिए तैयार किए एक मेरा एक मंडी का जो कि बहुत ही मज़ेदार पराठे भी बने थे और सब ने खाना भी इंजॉय किया और हमने भी पराठों का भी इंजॉय किया बहुत ही मज़ेदार आलू बने थे और पराठों से भी ज़्यादा कुरकुरे जैसे घी लगा के बनाए और यहाँ पे हमने कोई 8-10 खाने बनाए हैं जिनमें दाल मखनी शाही पनीर आलू की कतलियाँ बटर चिकन कड़ी पकौड़ा खीर बॉयल राइस बिरयानी रोटियाँ सलाद वगैरह जिनके मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे और आपके साथ शेयर कर रही हूँ उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगे या ना लगे जिनका खाना बनाया था उन्होंने हमें अच्छी अमाउंट भी दी थी और दूसरा खाना भी सबको पसंद आया और जो खाना बच्चा लोग अपने अपने घरों में भी लेकर गए साथ ही हमें एक और ऑर्डर भी मिल गया जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक और साथ शेयर भी करें अल्लाह हाफ़िज़